तो जो कहीं पे नहीं वो यहाँ पे, यानी कि बिल्कुल मैं सिर्फ बात नहीं करूँगा, आपको विजुअल एक्सपीरियंस कराऊँगा। एलजी का C10 मॉडल जो ओलेड में सबसे टॉप सेगमेंट है इनका, इसमें मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और साथ में आपको विजुअल एक्सपीरियंस कराऊंगा, इसके पिक्चर क्वालिटी, लुक एंड साउंड एंड सारे स्पेसिफिकेशन। तो वीडियो बहुत ही कमाल का होगा, और साथ में अगर आप ये टीवी परचेज करना चाहते हैं तो मैं इस टीवी रिलेटेड सारा ऑफर्स और सारे डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे, और आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये था बॉक्स में सारा डिटेल्स। अब टीवी को बाहर निकालते हैं। भाई साहब, जैसा आप सभी को दिख रहा होगा टीवी, यानी कि एकदम जैसे लगता ना ब्लैक मिरर, वैसा ही पूरा का पूरा डिस्प्ले है। तो क्वालिटी जो है डिस्प्ले की वो बहुत ही सुपर्ब है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं विजुअल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कैमरे में, पता नहीं आपको कैसा दिख रहा। यहाँ पर सारा आपको कनेक्टिविटीज़ के लिए पोर्ट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर 4 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं और 3 USB पोर्ट्स मिलते हैं, और बाकी के सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, लाइक जैसे LAN कनेक्टिविटी एंड AV आउटपुट, ऑडियो, 3.5 mm जैक और ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी कि सारे डिटेल्स आपको मिल जाता है इसमें कनेक्टिविटीज़ के लिए। और बैक से कुछ इस तरह का दिखता है, साथ में कुछ रिमोट्स और एक्सेसरीज मिलते हैं, जैसे लाइक अगर आप इसके साथ सेटअप बॉक्स वगैरह अगर आप कनेक्ट करते हो AV और ऑडियो वीडियो के लिए, जो केबल होता है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। ये हैंग करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, और ऊपर से लेमिनेट है ये, ये भी मैं हटा के दिखाऊंगा। पहले मैं आपको साइड से दिखाता हूँ कितना स्लिम है ये, इसका थिकनेस आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना स्लिम होगा ये TV। तो लुक वाइज बहुत ही कमाल का लग रहा है। अब मैं इसका लेमिनेट जो है वो हटा देता हूँ। ये देखो भाई साहब, मतलब कमाल का यार, ऑसम। ये आपने देख लिया, और जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा एकदम प्योर एंड डीप ब्लैक पैनल है। तो जो मतलब ओलेड का खासियत होता है, बाकी का लुक आप देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है और लुक जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दे रहा है, यानी कि जिस प्राइस में है ये उस प्राइस वाला ये फील भी कराएगा आपको। और साथ में एज ए फ्रेम और आर्ट मोड्स बहुत सारे आपको इसमें मिलते हैं, जो टीवी को एक अलग सा प्रीमियम लुक देता है। और लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस तरह का मोड में आप रखो, क्योंकि ओलेड में थोड़ा सा पिक्सल्स बर्न इन का इशू का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आप ना ही रखो, तो कभी कदा रख दो बट कंटिन्यूसली आपको नहीं करना है। बाकी यूज़र इंटरफेस इसका WebOS ही है, तो यूज़ करने में बहुत ही सिंपल एंड आसान है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें पिक्चर क्वालिटी और साउंड आपको फील करा देता हूँ। ये था पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड। आई होप आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के कुछ अगर गलतियाँ हो रही है मेरे से तो मैं आगे के वीडियो में ना करूँ। और ये रहा यूज़र इंटरफेस, WebOS और सारा एप्लीकेशन मिल जाता है, साथ में ये प्यारा सा मैजिक रिमोट जो इनके सारे स्मार्ट TVs में आते हैं वैसा ही आपको इसमें भी मिलता है। तो रिमोट में कोई चेंजेस नहीं है, और बाकी का डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको स्क्रीन पे ला देता हूँ, ताकि आप रीड करो आसानी से और जान पाओ कैसा है। और इसका पिक्चर प्रोसेसर वो A9 4K Gen 3 का AI प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा है। साथ में ये डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमोस के साथ आता है। और हाँ, एक चीज़ भाई साहब, अगर ये आप TV परचेज करते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो आप वॉल माउंट ले सकते हो या तो आप टेबल टॉप ले सकते हो, ये आप ध्यान रखना। तो ये था पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी एंड सारा लुक वाइज
एंड सारा डिटेल्स। अब इसकी जो स्पेसिफिकेशन है डिटेल्स में अगर मैं बात करूं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रॉल करके जो जा रहा है, और आप चाहो तो पॉज करके भी आप देख सकते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं सारा इसमें दे दिया हूँ। और अब मैं बात कर लूँ कि इसमें क्या कुछ कमियाँ हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, जैसा कि आप सभी जानते हो ओलेड स्क्रीन पे अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राइटर रूम में अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है स्क्रीन पे, तो ये थोड़ा सा कमी हो जाता है ओलेड में। बट अगर आप डार्क रूम करके देखते हो तो भाई सब एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का होता है, क्योंकि अगर ट्रू सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो ओलेड से अच्छा स्क्रीन होता ही नहीं है। अब मैं बात कर लूँ अगर कमियाँ के, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसमें भाई साहब एक कमी जो सबसे मतलब मेरे को पता नहीं बहुत ही अजीब लगा, आप अगर टीवी के साउंड सेटिंग में जाओगे, मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल देता हूँ, और साउंड सेटिंग में जाने के बाद अगर मैंने यहाँ पे चेक किया कि इसमें डॉल्बी एटमॉस जो है वो कैसे सपोर्ट करता है, तो डॉल्बी एटमॉस जो है सिर्फ, यानी कि टीवी के जो अंदर स्पीकर्स हैं सिर्फ वही आपको मिलेंगे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट के साथ। यानी कि अगर आप डॉल्बी एटमॉस अगर आप साउंड सिस्टम लगाते हो तो ये आउटपुट नहीं दे पाएगा। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है ओनली फॉर टीवी इंटरनल स्पीकर के लिए है, तो पता नहीं क्या रीज़न है और क्यों है ऐसा, और जहाँ तक मेरे को पता था वो मैंने आपको बता दिया। और अब बात कर ले अगर प्राइस की, तो प्राइस भाई साहब जैसा कि आपने देखा था वीडियो पे 2 लाख के आसपास का, तो वो उतना नहीं है, अभी जो प्राइस है वो कम हो गया है। अभी जो इसकी ऑफ़र प्राइस है वो है 1,80,990 रुपये, और इसके साथ एक 32 इंच की टीवी जो है एलजी के तरफ से स्मार्ट एलईडी टीवी वो फ्री मिल रहा है आपको। लेकिन अगर आप वो टीवी नहीं लेते हो और थोड़ा बहुत जैसा कि हमारा चलता है कल्चर बार्गेनिंग करना, थोड़ा सा दूसरे शॉप में जा कर के प्राइस वगैरह लेना, तो ओवरऑल मैं बता दूं कि ये टीवी आप जो है 160-150, यानी कि 150 से लेके 160 के बीच में आप डील क्रैक कर सकते हो। तो इस प्राइस में भाई साहब बहुत ही बेहतरीन आ रहा है ये टीवी। अगर इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप टीवी परचेज करना चाह रहे हो तो बहुत बेस्ट ऑप्शंस है, और साथ में सारे ब्रांड के तरफ से जो है एलजी की तरफ से आपको बहुत सारे कैशबैक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक HDFC एंड ICICI एक्सिस वाला जो सारा कैशबैक चल रहा है वो भी आपको एडिशनल इसमें बेनिफिट मिलता है। तो कुल मिलाकर के जिस प्राइस में ये बहुत ही बेहतरीन है, और उसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो बहुत ही कमाल का होगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा धनतेरस वाला डील, यानी कि इस धनतेरस आपको आपके नियरेस्ट रिलायंस डिजिटल में क्या क्या ऑफर चलने वाले हैं और क्या कुछ खास मिलेगा, किस में आपको बेहतर डील मिल रहा है, वो सारे डील्स के लिए ही सिर्फ वीडियो होगी। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन जो है वो आप प्रेस कर दीजिए, यानी कि बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो अगला वीडियो है वो आपके पास आसानी से पहुंच पाए। तो बताइए आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो, और हाँ अगर किसी भी तरह का क्वेरी है तो भर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन, कोशिश करूंगा मैं आपके सारे सवाल को जवाब देने के लिए। आप चाहो तो मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं इंस्टेंट आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। और हाँ इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, प्यार दिखाते रहिए, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।